नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा YouTube चैनल बिहार डेलीगेशन। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सफर बिहार की कुछ बड़ी खबरों के साथ। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 5000 के पार पहुंच चुकी है। कल 239 नए मामले मिले हैं। इसके साथ ही बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 5070 पहुंच गई है। वहीं राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 30 पहुंच चुकी है। अच्छी बात यह है कि 2635 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। अनलॉक वन में अब बिहार में कई सारे जो और भी सुविधाएं उनको छूट मिल पाएगी, जैसे कि आज से मंदिर, मस्जिद, मॉल और रेस्टोरेंट्स वगैरह भी खुल जाएंगे। लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है इसका पालन करना पड़ेगा, और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम पालन कराने की जिम्मेदारी वहां की व्यवस्था देखने वालों के ऊपर। कुएं में गिरे सांड की जान बचा के बिहार के लोगों ने मानवता की मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि पिछले दिनों केरल में गर्भवती हटनी को पटाखों से भरा अनारस खिलाकर उसकी जान लेने वाली शरारती तत्वों से जहां मनुष्यता शर्मसार हो गई थी, वहीं बिहार की यह तस्वीरें ऐसे में बेजुबानों के प्रति संवेदनशील होने का एक अनूठा सबब है। बांका जिले के अमरपुर प्रखंड स्थित मकुदमा गांव में गुरुवार को एक सांड घूमते हुए अचानक कुएं में जा गिरा। इसके बाद मौके पर जुटे ग्रामीणों ने उसे जान बचाने के लिए पूरी जोरदार कोशिश किया और लगभग 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रस्सियों के सहारे सांड को सकुशल पूर्वक कुएं से बाहर निकाल लिया गया है। अमित शाह के वर्चुअल रैली के साथ ही बिहार में राजनीतिक उठापटक की शुरुआत अब हो चुकी है। आपको बता दें कि इसी साल नवंबर में बिहार का जो ये विधानसभा सत्र है समाप्त होने जा रहा है, और चुनाव के नजदीक देखते हुए अब बिहार में राजनीतिक गतिविधियां जो है वो तेजी आ चुकी है। आपको बता दें कि कल हुए वर्चुअल रैली में अमित शाह ने न सिर्फ एनडीए के इस साल के चुनाव में 2/3 मेजोरिटी के साथ जीत के दावे पेश किए हैं, वहीं उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसा है कि वो थाली बजाकर न सिर्फ हमारी रैली का विरोध कर रहे हैं बल्कि माननीय प्रधानमंत्री के उस अभिवादन को स्वीकारा है जो कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान जो कोरोना संकट से हमारा देश गुजर रहा था उस समय जनता से अनुरोध किया था। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव धीरे धीरे प्रधानमंत्री के बात को समझ रहे हैं और ये अच्छी बात है। अब इस तंज का पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव ने भी अमित शाह और एनडीए को जवाब दिया है। उन्होंने ट्विटर के जरिए एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, सर्वप्रथम थाली बजाने का ऐतिहासिक संदर्भ समझना चाहिए। आपातकाल के विरोध में लोक नायक जयप्रकाश जी ने आंदोलन में समाजवादियों ने उनके इस्तेमाल किया था। थाली बजाना समाजवादी आंदोलन का अटूट और अभिन्न हिस्सा रहा है। इसे मोदी जी या किसी अन्य का कॉपीराइट बनाकर जेपी का अपमान ना करे। तो इस तरह के ट्वीट जो है वापस अमित शाह को जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने किया है। अगर आप बिहार में पहचान पत्र बनवाना चाहते हैं तो आपको एक नया शर्त है, उसको सख्ती से पालन करना पड़ेगा। आपको बता दें कि अगर आप बिहार में पहचान पत्र बनवाना चाहते हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपका पहचान पत्र किसी अन्य राज्य में नहीं बना हुआ है। इसको लेके बिहार निर्वाचन आयोग जो है वो सख्त हो चुकी है और आपका वेरिफिकेशन होगा। अगर आपका पहचान पत्र किसी अन्य राज्य में है तो हो सकता है कि आपका बिहार का जो पहचान पत्र है वो रद्द कर दिया जाए। तो ये कुछ बड़ी खबर थी जो कि बिहार से जुड़ी हुई थी, जो कि हमने बताना आपको उचित समझा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने अपने परिवार का ख्याल रखिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने दोस्तों तक पहुंचाए। तो आज के लिए इतना ही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, बेहद जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले।